रॉक पेपर सीजर। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एवरी डे हमारे यहाँ पे ना पूरा नीचे गरबा चल रहा होता है और इतना अच्छा लगा ना देख के, सब लोग डांस कर रहे थे। ये ना त्योहारों का टाइम ही ऐसा होता है जब आप खूब एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। ये रहा मेरा बेबी पराठा खाता हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि सम्मावना ने बोला त्योहारों का टाइम है, खूब एंजॉय करो, तो मैं खूब एंजॉय कर रहा हूँ। आज लड़ झगड़ के दोनों से गोभी का पराठा बनवाया, कह रही थी पोहा खा लो, मैंने कहा आज बताता हूँ मैं तुम्हें। गोभी का पराठा बनवाया अचार के साथ, प्रॉपर नाश्ता कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन रुकेगा मुझे। अब मैंने तो पूजा की नहीं है, जब तक मैं पूजा नहीं कर लूंगी तब तक मैं नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगी पोहा। आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस नॉनसेंस पराठा। एक बार खा लो फिर दिन भर लेटे रहो, पड़े रहो एक ही जगह पे। ठीक है यार, ये तो डिजर्व करता है, देखो इसने बहुत काम किया है। अगर वो एंजॉय करना चाह रहा है तो ठीक है यार, इतना वेट भी तो लूज किया था ना बीच में। बटर अलग से बेबी जी, आपको कोई आपत्ति? देन गेट द आउट हियर। ये मेरी छोटी बेबी, मेरा चिरकुट्टा। ओ कोको यहाँ बैठा हुआ है, कोको अमिता का वेट कर रहा है। अमिता बाहर गई है। ओ हाय हेलो। गंदे लड़के, गंदे लड़के, इसका जो चेहरा निकला ना इतना क्यूट लग रहा है ना बच्चा। तुझे यहाँ पे फूल आ गए, तैयारी कर लू पूजा की। पूजा कर ही लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। तू क्या बोल रहे, ये फूल आपको नहीं मिलेंगे, ये फूल तो आपको नहीं मिलेंगे भाई। अरे बाबा, अली बाबा, स्पीक कोको, स्पीक स्पीक स्पीक। ओए तेरे से ज्यादा स्पीक मैं कर रही हूँ, स्पीक स्पीक कोको। हमारी आरती हो गई, पसीने पसीने हो गई हूँ मैं। आरती ले रहे, ये पहली मॉर्निंग आरती आप लोगों के लिए, मेरे बच्चों की बांग आरती। आओ इधर आओ, चुंचा चुंचा की तो हो गई। ओहो लेनी है और लेनी है जी। ये मेरे बेबी ने मुझे नई किताब दी है पढ़ने के लिए, बिकमिंग सुपरनैचुरल। और अविनाश का बोलना ये है कि मेरी जो हेल्थ कंडीशंस इतनी ज्यादा रही हैं, वो कैसे ओवरकम की जाए। या हमेशा जितने भी डॉक्टर सम्मावना मिली उन्होंने यही बोला है कि सम्मावना की जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम अपीयर हुई वो स्ट्रेस से हुई है। तो जब स्ट्रेस से कोई भी चीज फिजिकल फॉर्म ले लेती है तो उसके लिए ये बुक जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ इसके रिव्यूज पढ़े हैं और इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे डेफिनेटली पता है बिकॉज ऑथर की एक दो बुक्स मैंने पढ़ी है और ये तुमको हेल्प करेगी। लेकिन तुम पढ़ना भले दो पेज पढ़ना, किताब की मोटाई से डरना नहीं, ठीक है? बाकी जो पहले दो दी थी वो कहाँ खोद के गाड़ी है। क्यों, मैंने पढ़ी है वो? ये झूठ मत बोलो। मैं भी नहीं, ये गलत बातें मत करा करो, मैंने पढ़ी है। मैं अपनी पेस पे पढ़ती हूँ ना, तो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता। बेबी तो तुम ये बात पीठ दिखा के क्यों कर रही हो? जो पढ़ता है ना वो चढ़ जाता है ऊपर की, अरे पढ़ी है मैंने पढ़ी है। नहीं तुम आंख नहीं मिला रही हो। मैंने बेबी कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन तुम क्या नहीं कहोगे, मैं कह रही हूँ ना मैंने पढ़ी है। ये तो ढीठ बच्चे जो होते हैं ना, कर लो क्या करोगे, नहीं पढ़ूंगी। तो जी पोहा खाने वाले पोहा खा रहे हैं, जो खिला रहे थे वो भुगते, हम क्यों खाएं पोहा? खाओ पोहा, तू जो पोहा, तू जो रोज पोहा दे रहा है अमिता दीदी को ना, तो फिर वही पोहा, दाल के साथ पोहा, रात को सब्जी के साथ पोहा। तू पोहा खा रही है पराठा? सबको इतना ज्यादा तेल और मक्खन की चीजें नहीं खानी है, लेकिन रोज एक ही चीज खानी है। जेल है क्या? जेल है, आए बड़े। लंच क्या है? काबुली चने। काबुली चने नहीं खाता मैं। सफेद चने नहीं, छोले ठीक है, छोले ही है। जी मैं निकल रही हूँ अपने जिम के लिए, अविनाश जाएगा शायद अपनी शूटिंग रेंज में, या वापस आके फिर आपको मिलती हूँ मैं। आज मैंने इतना अच्छा वर्कआउट किया, आज अकेले किया, मतलब सारा कार्डियो किया, उसके बाद स्टीम लिया। आई एम फीलिंग सो गुड, ओहो ऐसा लग रहा है बस घर जाके सो जाऊँ, लेकिन सोना तो नहीं है दोस्तों, खाना खाना है। खाना खाऊंगी, बेबी का वेट करूंगी, पता नहीं अविनाश अभी तक फ्री हुआ है या नहीं हुआ है। फ्री हुई हूँ, बड़ा फीलिंग सो गुड। वापस आ गई मैं। ओहो अमिता क्या बात है, अच्छा देख रहा है लेकिन खाने में अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या सारे के सारे? क्या हुआ ये? वो देखो जरा इन दोनों को देखो, चेहरू
अरे 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 किस तरीके से मार रही है उसको। साहब चेरी उसको क्या भगा भगा के मार रही है, ऊपर चढ़ गया वो। अब क्यों तेरी फटी है, अब क्यों फटी है? चेरी को देखो। अरे अरे हाँ ले मार इसको चेरी को। लगा भागा भागा भागा, बड़ा बोलता है चेरी को, अभी भागा ये। चेरी पस कर माफ कर दे उसको, माफ कर दे। हाँ नहीं चेरू मार ले भी लगा। चेरू ऐसे नहीं करते बेटा, चेरी इतनी एक्टिव। मेरा बच्चा चेरी मेरा बच्चा। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ, और जब तक अविनाश आएगा तब तक मैं खाना भी खा लूंगी। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। ठीक लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा वेट लूज हुआ है ना, तो ये सब कपड़े लूज हो गए हैं, ढिलकुचड़ हो गए ना। हाँ, ढीला ढीला लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ये मेरे नाप के नहीं थे, ये मैंने किसी और के मांग के पहन लिए। देखो पहले ये सही आता था मुझे, अब ये थोड़े से ढीले हो गए हैं कपड़े। और मैंने इस्त्री भी मारी नहीं है इस पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कौन ही पूछ रहा आपने इस्त्री क्यों नहीं करी। बच्चों मत करो ऐसा। अरे 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 अच्छा उन्होंने नीचे से भेजा है, अरे हमारे नेबर्स ने हमारे लिए भेजा है, साबूदाने की कुछ वड़े हैं। I'm gonna eat now. पैन फ्राइड लग रहे हैं मुझे। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी शूटिंग रेंज से वापस, और भूख लग रही है बहुत तेज, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा खाना बनाओ। हालांकि मैं बता के तो गया था, लेकिन मैं खुद भूल गया मैं क्या बता के गया था। क्या बोला था मैंने बनाने को? छोले। अरे क्या कर रही हो? अरे मैं चुम्मा चाटने की दासी हूँ भाई। चुम्मा चाटी कर चढ़ लो की दासी हूँ, चुम्मा चाटी नहीं। अच्छा पति को मुंह नहीं दिखाते ना? पति को ही मुंह नहीं दिखाते, तो शादी क्यों की है? औरों को दिखाने के लिए। ये क्या चल रहा है तुम्हारा दो दिन से? बेबी निकालो ये, चलो पता नहीं क्या नया ड्रामा लेके बैठ गई हो। क्या कुछ गलत खा लिया था क्या? छोले चावल। तभी नशा हो रहा है। बेबी आज तुम्हारे बेबी ने जो परफॉर्मेंस किया है। अच्छा तुम इधर बैठो और बस मेरे कार्ड देखो। क्या कर रहा है बताओ? देखो पहला कार्ड देखो, पहले भी तो नहीं है। अभी देखो ना, ये अच्छा है। 10 बुल लाइन मारा है। 9 9 स्टेट मैच में रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं। आज आया मेरा फ्लो निकल के, फाइनली मजा आ गया। किसी से कम नहीं है, मेरे बेबी को मैं सारी खुशियां दे दूंगी। I am so proud of you. तुम्हें पता है 10-10 शॉट की एक सीरीज होती है जो 100 नंबर की होती है, इसमें 100 में से मेरे 97 है। अच्छा। हाँ, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। चलो इस खुशी में अगर अच्छा खाना नहीं मिला, पिच्ची देखो इधर। अरे ये तो घने काले छोले, बढ़िया वाले काले छोले। ओफ, इसके साथ तो भटूरे चाहिए थे यार। भटूरे वाले नहीं है छोले, पराठा भी मिल जाएगा तो मैं कर लूंगा मैनेज। बेबी इससे तो भैया कुछ भी बर्दाश्त नहीं। ये थोड़ा खुश लग रहा है ना, बाल वाल करने इसके। पापा का दूसरा बेटा है, बिल्कुल कोको लग रहा है पता है, अभी बाल कटने के बाद। नहीं बिल्कुल कोको। मैं तो कोको को बचपन में देखा था ना, तो मुझे पता है एग्जैक्टली वो कैसा दिखता था। बिल्कुल ही कोको लग रहा है, वाके देखने के बाद ना। ये भी पापा का बीचा भी है, पापा का बेटा वही है। पापा का बेटा और तीसरा कोई नहीं है, पापा का बेटा सिर्फ एक ही है। ठीक है तो जी अविनाश का तो राइटिंग सेशन शुरू हो गया, तो ये लोग तो बिजी हो गए। मैं जरा किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में जिन्होंने हमें इतना प्यारा साबुदाने का वड़ा भेजा था, उनके साथ अब मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। क्या हुआ? जिन्होंने सोसाइटी में साबुदाने का वड़ा भेजा था, अब मैं उनके साथ कॉफी पीने जा रही हूँ। हाँ, थैंक्स गिविंग देने जा रही हूँ। कॉफी के पैसे वही दे रही है? नहीं मैं दे रही हूँ, मैं पिलाऊंगी ना बेबी। उसको तंग कर रहा है ये कमीना। चुंचा पापा के पास जाओ, चलो जाओ। ये देखो अब ना मेरे को ये बैठने ही नहीं देगी बिल्कुल। आपको मैं बता नहीं सकती कि ये पिछले आधे घंटे से चिल्लम चिल्ली कर रही है कि मुझे नीचे लेके जाओ, और मैं थोड़ी देर बैठना चाह रही हूँ। मैं सोचू चाय वाय पी लूँ फिर लेके जाती हूँ भाई तेरे को नीचे। चाय मम्मा लेके जाएगी, लेकिन ये ना अभी जिद्दी हो गया। चेरू जिद्दी बच्चा हो गया तुम। क्या हुआ? आ गई जानलेवा। हाँ तो अभी चलेगा, देख लो। अब मैंने आपको बोला था ना चेरू चल रहे है, चल रहे हैं बाबा। अरे चाय पीने दे। अमिता नहीं मानेगी यार, मुझे पता है आपको खेली करना है, मैं लेके चलूंगी। इतनी गंदी आवाजें निकाल रही है। चल अमिता ले इसकी बॉल यार, पहले ले चल। चलो मैं अब चाय भी नीचे जाके पीऊंगी। बिल्कुल ही मतलब ना चेरी तो हद ही कर देती, जब भाई चेरी आ जाए ना अपनी पे तो इससे हमने कोई नहीं टिक सकता। इधर बच्चों मतलब मानेगी नहीं अमिता, तेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे। मैं फेंकती हूँ। तो मैं जा रही हूँ ना, उधर जा रही हूँ, जाओ। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय अम्बे गौरी।
यार आरती के बीच में उसने चुंचा को बहुत पीट दिया। बहुत पीटा ना चुंचा, इधर मत मार चुंचा को, छोड़ दे। तू दबा क्यों रहा उसको एक हाथ से? अरे ये चुंचा को इतना पीट क्यों रहा है? मैंने आरती के बीच में देखा है बेटे को। हेलो जी, आपकी इवनिंग आरती। मेरे बेटू को कितना मारा है इसने? बहुत यार, उस बिल्कुल उसको उठाना पड़ा है। अरे मेरे बच्चे को आरती दो। मैंने देखा वो पीट रहा था आपको। मैंने देखा नीचे से, अभी भी देखो आपको पीटने के लिए देख रहा है वो, कि आप नीचे आओ मैं वो आपको पीटे। अरे कोको, बहुत बुरी बात है कोको, बहुत बुरी। देखो कितना थक गई है, उसको बहुत दौड़ा दिया। ओके थैंक यू बोल रही। वो भी छोटा है ना, वो भी क्या करे ना, उसको नहीं पता कि मुझे कहाँ पे रुक जाना है। मामा चुंचा, हम बहुत पाई पारी आरती दूंगी चुंचा को। नहीं मेरा बाबा, पापा का बेटा। ओ चुंचा ना लड़ मर के पानी पी रहा है। पहले तुम चप्पल पहनो बेबी, लंगड़ा रही हो। ओए कबूतर, चाहेंगे मेरे चैट मामा, इसने इतनी गुंडागर्दी करी है आज, इतनी गुंडागर्दी करी है मेरे। चारों तो कोको की पिटाई क्यों नहीं कर देती है? अरे बहुत मार रहा है आज शेरी ने कोको को। हाँ अभी थोड़ी एक्टिव हुई है ना। चल कैंडी देख रही है, उनको दो बार मिली मेरे को, एक बार देख। एक और बार चाहिए था मेरे को। आ जा कैंडा, आ जा। जय माता दी भाई। चुन चुन कह रही है उसे क्या दिया जो मुझे नहीं दिया। चुन चुन को दी जय माता दी। एक और बार मिलेगा मेरे चारू को। बस हो गया सबका, दो दो बार हो गया अपनी, उसका तीन बार हो गया। चलो नीचे जाके आएंगे थोड़ी देर। खाने में क्या है? खाने में भिंडी। भिंडी, भिंडी के साथ भिंडी पूड़ी। भिंडी पूड़ी फिर? नहीं पूड़ी नहीं है, भिंडी है और कल का सोया पड़ा है। और छोले आज के? छोले आज के हैं। ये क्यों नहीं बता रहे हो? जी सब खाओ। नहीं छुपा के तस्करी करने का इरादा था ना छोले की? नहीं, 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 छोले की तस्करी कोई नहीं कर। मैं ना अभी नीचे उतर रही हूँ मंदिर जाने के लिए, आपको लोचा दिखाती हूँ कि कैसे सो रहा है। मोटा हो गया ये? बहुत मोटा हो गया। कौन खिला रहा है इसको इतना? काटना नहीं है, मैं काट क्यों रहा था? काट रहा था मुझे, ये देख कटी गई। तो जी मंदिरों के घर पे आ गए हैं, खाना भी खा लिया है। भिंडी के लिए बिल्कुल मैंने ना कर दिया कि भिंडी मैं छूंगा भी नहीं, भिंडी मेरे से दूर कर लो। अब खाली बैठे हुए हैं। बेबी याद है हम पहले लॉकडाउन में रॉक पेपर सीजर खेलते थे? कभी नहीं खेलते। बेबी खेलते थे जिसमें तुम चीटिंग करती थी? नहीं नहीं, वो तो मैं हर एक में करती हूं। तो तुम्हें रूल्स याद होंगे? चीटिंग करनी है। चीटिंग के रूल्स नहीं, एक्चुअल रूल्स। ऐसे हाथ करते हैं, कहते हैं रॉक पेपर सीजर, फिर एक चीज बनते हैं। ये होता है रॉक, ये होता है पेपर, ये होता है सीजर। ठीक है, तो सीजर पेपर को काट सकता है, रॉक सीजर को तोड़ सकता है, और पेपर रॉक को लपेट सकता है अपने अंदर। ठीक है, खेलते हैं फिर पता बताना। आओ, अच्छा बीच में बदलना नहीं है। आओ एक वार्म अप कर लेते हैं। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। अय्या मतलब मैं जीत गया। तुम सीजर को काट सकते हो? नहीं काटेगी ना, रॉक है ना ये, सीजर को तोड़ देगी। अच्छा रॉक पेपर, रॉक क्या था? रॉक ये था, पेपर ये था, सीजर ये था। रॉक पेपर सीजर। बेबी तुम बाद में कर रहे हो। नहीं तो जो टाई हो गया ना, तुम बाद में कर रहे हो, जब मैं कर देती हूँ उसके बाद करते हो। चलो रॉक पेपर सीजर। अच्छा अच्छा तुम बोलो चुनचा सर फूट जाएगा रॉक से। चुना नहीं, चुना रॉक पेपर सीजर। उसको बड़ी खुशी हुई कि मम्मी पापा साथ मिलके कुछ कर रहे हैं। रॉक पेपर सीजर। नहीं अरे ये क्या बना, प्लेन कहाँ से आ गया? पेपर था ना तो लपेटेगा ना ये। चलो अब फाइनल फाइव करेंगे। पांच मैच की सीरीज है, जो तीन जीता वो जीता। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। एक मैच जीत गई 1-0। रॉक पेपर सीजर। टाई टाई हो गया, टाई हो गया। रॉक पेपर सीजर। हाँ टाई हो गया, तीन हो गए। रॉक पेपर सीजर। दो पॉइंट मेरे हो गए। रॉक पेपर सीजर। टाई हो गया, टाई हो गया। रॉक हो गया ना पांच। कैसे पांच हो गया ना, तुम जीत गई ना, तीन तो टाई हो गए और दो तुम जीत गई। हाँ मैं जीत गई। चलो एक फाइनल सिर्फ मेरी भड़ास निकालने के लिए, एक बार जीतना चाहता हूँ, एक बार जीतना चाहता हूँ। चलो रॉक पेपर सीजर। ये फाइनल
सोचा कि मम्मी जीत गई। ओह माय गॉड, इसी के साथ आज का ब्लॉग अंत करते हैं और आपको मिलेंगे हम लोग कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल संभावना से। ओह माय गॉड, एंटरटेनमेंट। एक ग्लास वाटर। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर।